वेलकम स्टूडेंट बाल गोविंदम ई लर्निंग ऐप क्लास 7 क्लास नंबर थ्री लॉग ऑन टू एमएस एक्सेल 2007 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है हमारा मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट के रूप में एक सॉफ्टवेयर है इन द माइक्रोसॉफ्ट 2007 सूट इट इज अ पावरफुल टूल दैट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज कैलकुलेट एंड एनालाइज द डाटा इन रो एंड कॉलम्स मतलब कि ये डाटा को किस तरह के एनालाइज कर सकता है रो एंड कॉलम में कैसे इसको कैलकुलेट करता है कैसे मैनेज करता है ये सब इस हम एम एस एक्सएल में रीड आउट करेंगे इट इज ऑल्सो अलाउज अस अ रिप्रेजेंट अट डाटा इन अ पिक्टोरियल इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट मतलब ये डाटा को पिक्टोरियल फॉर्म में और चार्ट के फॉर्म में भी हमें इस डिफाइन करता है कि इसकी क्या ग्राफिक इसके क्या व्यूज क्या है इसके इसकी कंडीशंस क्या है उसके थ्रू भी हमें देखने को मिलता है features of ms excel function and formulas ms excel depends depend on form, uh, formulas and functions then you uh, functions are built in a formulas function are built in a formulas used to calculating percentage interest average etc मतलब कि जो भी एक्सल डिपेंड है हमारे फार्मूलाज पे जिसमें हम जो यूज करते हैं फार्मूला के लिए कि कैलकुलेटिंग परसेंटेज इंटरेस्ट एवरेज एक्सेस्ट्रा जो कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं ये एडिंग है कैलकुलेशन है जो भी है फॉर्मूलाज आर मेनली यूज इन सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो फॉर्मुलाज यूज करते हैं वो हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में यूज करते हैं फॉर्मेटिंग फीचर्स इम्प्रूव एंड्रिशियंस ऑफ डाटा ऑटो कैलकुलेशन कैलकुलेशन भी इसमें क्या होती है कि ऑटो कैलकुलेशन अपने आप मतलब कैलकुलेशन हो जाता है डाटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन होल वर्कशीट इन अ फॉर्म एनी चेंजेस ऑफ अ मेड इन अ सिंगल सेल मतलब कि एक सिंगल सेल के अकॉर्डिंग इसमें ऑटो ऑटो कैलकुलेशन अपने आप कैलकुलेशन हो जाता है फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डाटा मतलब कि इसमें सर्चिंग भी फास्ट है और डाटा को रिप्लेस करने का ऑप्शन भी बहुत इंस्टेंट है एंट्रिंग डाटा इन अ सीरियस यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन एंटरिंग डाटा मतलब कि ऑटो फिल ऑप्शन में आप डाटा को एंटर डायरेक्ट कर सकते हैं डाटा कैन बी व्यूड इन अ ग्राफिकल फॉर्म एज अ चार्ट विच हेल्प टू अंडरस्टैंड एनालाइज एंड कम्पेयर डाटा इन अफेक्टिव मैनर डाटा कैन बी व्यूड इन अ ग्राफिकल फॉर्म और एज अ चार्ट मतलब कि डाटा को हम फॉर्म और चार्ट दोनों के रूप में देख सकते हैं विच हेल्प टू अंडरस्टैंड एनालाइज अ डाटा जिससे हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं डाटा को एंड इफेक्टिव मैनर जिससे कि हमें उसका इफेक्टिव मैनर जो भी इसका कैलकुलेशन से जो हम जो इसकी इसका मैनेजमेंट है वो हम शो कर सकते हैं कि हमें इसकी क्या कंडीशन है इस वक्त डाटा की या किसी भी चीज की दीज एडवांटेज एडवांस फीचर्स हैव मेड एमएस एक्सेल द फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रोफेशनल्स मतलब कि एम एस एक्सएल जो प्रोफेशनल्स वर्कर्स हैं उनकी फर्स्ट चॉइस एमएस एक्सएल्स है एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क एंड इमीडिएट डिसीजन मतलब कि फाइनेंशियल टास्क के अकॉर्डिंग इमीडिएट डिसीजन हो चाहे कुछ भी हो एमएस एक्सेल को ही चूज करते हैं जो भी प्रोफेशनल वर्कर्स हैं द एमएस एक्सएल फाइल इज रेफर टू एज अ वर्क बुक इज इन विच यू वर्क एंड स्टोर योर डाटा एम एस फाइल रेफर करती है वर्कबुक को मतलब वर्कबुक के अकॉर्डिंग सारा काम होता है जो कि वर्क एंड वर्क एंड स्टोर डाटा डाटा को भी स्टोर करती है ईच वर्कबुक ईच वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्कशीट्स मतलब कि प्रत्येक वो जो एक वर्कबुक है वो प्रत्येक वर्कबुक एक सेवरल वर्कशीट्स work भी रखती है इट इज सिमिलर पेजेस टू नोटबुक वर्कशीट लाइक पेजेस एंड वर्कबुक लाइक नोटबुक मतलब कि वर्कशीट तो क्या है पेजेस के रूप में और वर्कबुक क्या है नोटबुक के रूप में जैसे अपनी नोटबुक हो गई नोटबुक तो अपनी क्या हो गया वर्कबुक हो गई और वर्कशीट जो हो गई उसके नोटबुक के अंदर के पेजेस हो गए द एक्सल विंडो दट अपियर्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्कबुक जो मतलब कि विंडो अपियर होती है हमारी एक्सल की उस विंडो को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं इट इज असाइंड और टेम्प्री नेम बुक वन मतलब की इसको असाइन करते हैं बुक वन के नाम से बाय डिफॉल्ट इट इज शो अ थ्री वर्कशीट एट अ बॉटम मतलब कि थ्री वर्कशीट हमें बाय डिफॉल्ट हमें open, मिलती है विद विद्स वन शीट टू शीट थ्री जो हमें नीचे की तरफ देखने को मिलता है बॉटम ऑफ द स्क्रीन आप देख सकते हैं कि शीट वन शीट टू शीट थ्री ये सारा इसमें शो किया हुआ है यू कैन एड एनी नंबर ऑफ वर्कशीट इन अ वर्कबुक अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल अ कंप्यूटर यू कैन एड एनी नंबर मतलब आप कोई भी नंबर एड कर सकते हो वर्कशीट में अ वर्कशीट कंसिस्ट टेन लैख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवनटी सिक्स रोज मतलब इसके अंदर रो कितनी होगी टेन लैक फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवनटी सिक्स तो इसमें रोज अवेलेबल रहती है एंड कॉलम सिक्सटी थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी फोर कॉलम्स कॉलम्स आर रिप्रेजेंट बाय्फाबैट मतलब की कॉलम्स क्या होते हैं एल्फाबेट uh, के अकॉर्डिंग होते हैं ऑन द टॉप एंड रो हैव अंबर्स रो तो नंबर्स के अकॉर्डिंग है और कॉलम्स है जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट जो हमें लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट हमें अवेलेबल रहता है अब सेल सेल हम किसको बोलते हैं सेल इज इंस्ट्रक्शन इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इन वर्कशीट मतलब इन सेल क्या है रोज एंड कॉलम से जो मिलके बनता है उसको हम सेल के रूप में जानते हैं ईच सेल इज डिनोटेड विद द सेल एड्रेस मतलब कि ईच सेल प्रत्येक सेल सेल के एड्रेस के रूप में जानते हैं फॉर एग्जाम्पल ए फाइव टू द सेल एट द इंट्रैक्शन ऑफ कॉलम ए और रो फाइव मतलब कि क्या है एग्जाम्पल में ए फाइव जो हमारा सेल है सेल ए फाइव है वो क्या है इन द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम ए कॉलम ए का तो इंटरसेक्शन ए है और रो का है कॉलम नंबर फाइव डाटा इज स्टोर सेल अ सेल कैन कंटेन अप टू थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन करेक्टर्स तो सेल तो कितने का कंटेन करता है थर्टी टू करेक्टर्स कंटेन करता है थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन Active cell. When you click on a cell, a thin black border, a uh, different is it from the rest of the cells. मैन यू क्लिक अ सेल अथिक ब्लैक बॉर्डर मतलब कि जिस सेल पे आप क्लिक करेंगे उस वो सेल हमारी जो सा, उसका साइड कॉर्नर है वो डार्क ब्लैक हो जाएगा डिफरेंट इज इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेल्स रेस्ट ऑफ सेल्स से जो भी बची हुई सेल्स हैं उनसे वो ऑप्शन जो सेल है वो हमारी डार्क हो जाएगी इट इंडिकेट्स द करंट सेल इज एक्टिव मतलब जो हम जिसपे हम क्लिक कर रहे हैं डार्क हो रखा है वो सेल अभी एक्टिव है दिस हाईलाइटेड बॉक्स इज कॉल्ड सेल पॉइंटर मतलब जो हाईलाइटेड लाइटेड बॉक्स हो रहा है जो सेल हो रहा है उसको हम बोलते हैं डाटा कैन बी एंटर ऑनलीस्ड मतलब होगा जहां पर आपका पॉइंटर सेल एक्टिव है नेम बॉक्स इट इज द लोकेटेड अब कॉलम हीडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो दिस इज एरिया डिस्प्लेन ऑफ द सेल पॉइंटर इट इज द लोकेटेड अबव द कॉलम इनडिंग विंडो देर इज अ डिसन ऑन सेल पॉइंटर आपको नेम बॉक्स नीचे शो कर रहा है फार्मूला बार में ये अपने को शो करेगा यहाँ पे फॉर्मूला बार इट इज लोकेटेड टू द राइट नेम राइट ऑफ द नेम बॉक्स इट इज लोकेटेड टू द राइट टू द नेम बॉक्स नेम बॉक्स के राइट right साइड में अवेलेबल रहता है दिस बार शोज द करेक्टर एंड दैट यू एंटर इन एक्टिव सेल्स दिस बार शो ये बार शो करती है करेक्टर एंड फॉर्मूला दैट यू एंटर इन एक्टिव सेल एक्टिव सेल में आप जो फॉर्मूला शो करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे वो इसमें शो करेगा फॉर्मूला बार में कॉलम्स हेडिंग्स अल्फाबेट अक्रॉस द टॉप ऑफ द बॉर्डर ऑफ ईच वर्कशीट आर कॉल्ड कॉलम हेडिंग्स अल्फाबेट अक्रॉस द टॉप बॉर्डर ऑफ ईच वर्कशीट प्रत्येक वर्कशीट की जो कॉलर जो भी उसको बुलाते हैं हम बॉर्डर में अल्फाबैट एक दॉप बॉर्डर ऑफ ईच वर्कशीट आर कॉल्ड कॉलम हैडिंग्स दीज हेडिंग्स आइडेंटिफाई द कॉलम्स विद द लेटर्स ए टू जैड एड एंड एंड अप टू एक्स एफ डी टोटल सिक्सटीन थाउजेंड थर्टी फोर कॉलम्स अवेलेबल मतलब कि कॉलम की जो हैडिंग शो करती है ऊपर जिसमें कितने कॉलम्स हैं क्या है ये सारा उसमें देखा जाता है नीचे की तरफ में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कितने अल्फ़ाबैट अवेलेबल है ये सारा इसमें शो करता है रोज हेडिंग रोज हेडिंग आर द नंबर लैक फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स अलॉन्ग दर ऑफ द वर्कशीट ये भी हमें जो रोज की जो अपनी डिजिट है वो भी हमें वहां अवेलेबल शो करती है कि कितनी रोज अवेलेबल है हमारे पास में स्टेटस बार स्टेटस बार इज लोकेटेड द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो मतलब कि स्टेटस बार हमें कहा शो करेगा बॉटम ऑफ द स्क्रीन मतलब नीचे की तरफ में इट इज गिव अ इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट सलेक्शन इन्फॉर्मेशन देता है हमारे करंट सलेक्शन के बारे में कि हमारा करंट सिलेक्शन क्या है <coughs> कि हमने हम क्या चला रखा है अभी क्या ओपन है हमारा इस अकॉर्डिंग इट इज इंक्लूड द नेम ऑफ द करंटली सलेक्टेड कमांड ऑफ करंट एक्टिविटी जैसे अभी हमने अभी ये एक्सेल ओपन कर रखा है तो ये हमारा एक्सेल को शो करेगा कि हम क्या एक्सेल में क्या क्या कर रहे हैं क्या हमारा पेज खुला है ये सारा हमें शो करता है इट इज ऑल्सो डिस्प्ले वार्निंग वार्निंग मैसेज मैसेज ये भी डिस्प्ले करता वीटैप्स दीट टैप्स अप्योर अबाउट द स्टेटस बार स्टेटस बार में ही सी एप्स अप्योर रहता है दे आर नंबर वन शीट वन शीट टू शीट थ्री तीन शीट हमें अवेलेबल रहती है ऑन क्लिकिंग पर्टिकुलर शीट एप That worksheet become a, the active worksheet. Matlab, कौन सी वर्कशीट आपकी कौन सी सीट में अभी अभी है, आप व्यू भी शो करता है वर्कशीट इनक बुक अकॉर्डिंग टू यू नीड यू कैन एट द नंबर ऑफ वर्कशीट आप कोई सा भी नंबर एड कर सकते हैं वर्कशीट के अकॉर्डिंग वर्क बुक अकॉर्डिंग टू वर्क बुक जो आपको वर्क बुक आपको अवेलेबल करनी है एंट्रिंग डाटा टू इनपुट द डाटा इन वर्कशीट यू हैव टू मूव द सेल पॉइंटर मतलब आपको अगर डाटा अगर वर्कशीट में इनपुट करना है यू हैव टू मूव द सेल पॉइंटर सेल पॉइंटर को आपको मूव करना होगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल विद द हेल्प ऑफ द वेरियस की डिफाइन हियर मतलब कि आपके पास में आप माउस के थ्रू तो कर ही सकते हैं एंड आप क्या कर सकते हैं कीज के अकॉर्डिंग में कीज के अकॉर्डिंग जो कीबोर्ड की कीज है उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं मूव ऑन मतलब कि आप सबसे पहले आप देख लीजिए ऊपर की तरफ एग्जाम्पल में देखिए इधर कमांड कमांड में दे रखा है यहाँ पे एरोस के सिम्बल से दे रखा है टू मूव द वन कॉलम राइट राइट कॉलम को मूव करने के लिए एरो राइट एरो का लेफ्ट कॉलम को मूव करने के लिए लेफ्ट एरो का अप करने के लिए वन रो अप का और डाउन करने के लिए डाउन रो कॉलम की का यूज करना है हमें पेज अप मतलब कि अगर हमारा जो स्क्रीन का पेज अप करना है तो हम पेज अप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मतलब बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड के अंदर पेज डाउन मूव ऑन स्क्रीन स्क्रीन डाउन कंट्रोल प्लस होम टू मूव फर्स्ट सेल टू मोस्ट रो मतलब कि मूव द फर्स्ट सेल फर्स्ट सेल में चलेंगे टॉप मोस्ट रो में टॉप मोस्ट रो के रूप में एंड कंट्रोल एंड टू मूव द लास्ट यूज द स्प्रेड शीट स्प्रेड शीट के लास्ट कॉलम में रो में हम पहुंच जाएंगे सेल में पहुंच जाएंगे क्रिएट द वर्कशीट एज अ श्रोन एज अ फिगर क्रिएट द वर्कशीट एज शोन इन द फिगर थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री जो फिगर दिया हुआ है एग्जाम्पल दे रखा है आपको शीट बना के दिए एक एक्सेल की उसमें आपको शो कर रहा है सारा सारा जो कैसे इसने बनाया है कैसे शीट शीट में मेंशन किया है सब कुछ फर्स्टली देखते हैं कि ओपन अ वर्कबुक बुक सीट एक्टिव वर्कशीट वर्कशीट हमारी एक्टिव कौन सी अभी सीट वन क्लिक ऑन सेल डी वन डी वन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले हम डी वन पे हमने क्लिक किया और उस पर हमने क्या लिखा वीकली एक्सपेंसेस जो हमारे वीकली एक्सपेंसेस हैं वो हमने इस पर डाल ली वन में अब हम जाएंगे डी वन एंड डी टू डी वन और डी टू हाईलाइट कर रही है क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप एंड होम टैब होम टैब में जाएंगे अलाइनमेंट ग्रुप पे जाएंगे और क्या करेंगे मर्ज एंड सेंटर बटन कर देंगे ठीक है आफ्टर देन क्लिक ऑन सेल ए टू ए पे जाएंगे ए का कॉलम ले, हम लेंगे कॉलम तो लेंगे हम ए और हमारी जो रो होगी वन ए टू हो जाएगा इस हिसाब से ए टू में हम आइटम्स डिफाइन करेंगे ये एक आइटम मिलके जो हम ये कॉलम मिलता है रो और कॉलम को मिलके सेल बनती है हमारी एक प्रेस राइट एरो की टाइप मंडे इन बी टू एरो की राइट एरो की प्रेस करेंगे जिससे क्या होगा कि हम दूसरी सेल में पहुंच जाएंगे उसमें हम क्या करेंगे टाइप मंडे मंडे टाइप करेंगे बी टू में बी टू लेंगे हम ऊपर ये हमारी रो रो में से बी लेंगे और कॉलम का हम टू लेंगे तो बी टू हो गया उसमें हमने मंडे डिफाइन कर दिया एंड ट्यूजडे सी टू में लाइक वॉइज एंटर रेस्ट ऑफ द सेल्स ऐसे ही सारा एंटर करना है हमें क्लिक ऑन ए थ्री सेल ए थ्री टेबल्स प्रेस एंटर की द सेल पॉइंटर शिफ्ट सेल ए टाइप कोल्ड ड्रिंक प्रेस डाउन एरो की टू मूव सेल ए फाइव टाइप मिल्क सिमिलरली एंटर डाटा रिमेनिंग द डाटा मतलब कि आपको अकॉर्डिंग टू रो और कॉलम को साथ में लेके वर्क करना है परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन. एक्सेल फीचर्स टू परफॉर्म अ कैल्कुलेशन एक्सेल के पास बहुत फीचर्स होते हैं जो कीट uh, करने में हमारी सहायता करता है यू कैन परफॉर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द नंबर्स इज यूजिंग फॉर्मूलाज ऑफ फॉर यूजिंग फंक्शन ये सारे कैसे हो सकते हैं मतलब की एक्सेल क्या क्या करता है की एडिशन भी करता है सब्सट्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन ऑफ नंबर्स इज द यूजिंग फार्मूलाज फार्मूलाज के साथ करता है इसके एक्सेल के अलग अलग एडिंग के अलग फार्मूला है सब्सट्रक्शन का अलग है मल्टीप्लिकेशन का अलग है डिवीजन का अलग है तो फार्मूलाज को यूज करके हम उन फंक्शंस का का, का का काम करते हैं एंट्रिंग सिंपल फार्मूला फार्मूला आ रहा है इक्वेशन द परफॉर्म दैट परफॉर्म कैलकुलेशन फार्मूलाज क्या है एक इक्वेशन है जो कि परफॉर्म करती है कैलकुलेशन ऑफ की वैल्यू इन वर्कशीट फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल टू साइन मतलब कि जो फॉर्मूला एक्सेल में स्टार्ट होगा वो इक्वल साइन से स्टार्ट होगा अगर इक्वल का साइन नहीं है तो आपका फॉर्मूला उस पर अप्लाई नहीं होगा द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन डिस्प्ले द सेल वे फॉर्मूला इज एंटर्ड अ फॉर्मूला कंसिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स रेफरेंस नंबर्स ऑपरेटर्स एंड एक्सल फंक्शन मतलब फार्मूला किस पर डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल रेफरेंस सेल का रेफरेंस क्या है की डी वन है डी टू है बी टू है बी वन है नंबर्स ए वन बी वन जो भी है ऑपरेटर्स के ऑपरेटर्स कौन सा ऑपरेटर लगेगा डिविजन का सब्सट्रक्शन का मल्टीप्लीकेशन का एंड एक्सल फंक्शन एक्सल के जो फंक्शंस है लाइक दैट इक्वल टू के सिम्बल से स्टार्ट होता है तो इक्वल टू का सिम्बल्स लगेगा ये सारे फंक्शन जो है टू कैलकुलेट एक्सपेंसिव एच थ्री एच थ्री के हमें कैलकुलेशन करना है तो टाइप बी बी थ्री सी थ्री एच डी थ्री एच ई थ्री एफ थ्री एच थ्री एच जी थ्री एंड प्रेस द एंटर की मतलब कि अगर आपको एच थ्री चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बी थ्री से लेके जी थ्री तक आपको सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा आप ऊपर एग्जाम्पल में देख सकते हैं तो आपको उन सारों को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा उनको एडिंग किया तो जो लास्ट डिजिट आएगी वो आपकी एच थ्री में आ जाएगी द सम ऑफ द वैल्यूज बी बी थ्री टू जी थ्री इज कैलकुलेटेड एंड स्प्रेड इन द सेल एच थ्री यू कैन यूज अपर एंड लोअर कैस सेल एड्रेस इन फॉर्मूला अपर एंड लोअर कैसे जो मतलब लेटर्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं इसमें एक्सेल ऑल्सो प्रोवाइड द क्विकर एंड ईजियर टू वे परफॉर्मिंग अ कैल्कुलेशन एक्सल प्रोवाइड करवाता है इजियर वे टू कैलकुलेशन मतलब कि इजी टू इजी वे हमें प्रोवाइड करवाता है जिससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सके क्लिक ऑन द ऑटोसम बटन ऑटोसम बटन पे क्लिक करेंगे प्रेजेंट द फॉर्मुला स्टेप

और प्रेस एंटर की द सम वैल्यू सेल बी फोर टू जी फॉल कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड इन एच फोर मतलब कि ऑटो सम का ऑप्शन हमें यह क्या शो करता है कि वो डायरेक्ट हमें फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है उसमें वो अपने आप हाँ सारा फार्मूला हमारा अप्लाई करता है और जो हमारे को रिज़ल्ट चाहिए एच फोर में एच थ्री में या एच फोर में वो हमारा रिजल्ट उसमें शो कर देगा फार्मूला बार में जाके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑटो सम के साथ साथ हमें डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन का सब जो भी हमारे फार्मूलाज है हमारे इक्वेश हम अप्लाई कर सकते हैं है हैज स्पेशल इन मैथमेटिकल फंक्शन स्ट्रिक टाइपिंग सच एज फॉर्मूला द सम फंक्शन कैन ऑल्सो भी मतलब अगर आपको अगर कोई एडिशन करना है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे फर्स्टली हम क्या करेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे इक्वल टू के साइन से हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू फिर कॉलन का यूज करेंगे तो हम कॉलन को कॉलन के अंदर हम हमारी जो सेल स्टार्ट हो रही है जैसे हमारी सेल स्टार्ट हो रही है यहाँ पे बी थ्री से स्टार्ट हो रही है जहाँ से भी हमें एडिंग करनी है बी थ्री से स्टार्ट हो रही है तो हमने बी थ्री कॉलन उसके बाद हमारी कहाँ तक जा रही है जी थ्री तक जा रही है तो हम जी थ्री तक उसको जी थ्री तक उसको हम अप्लाई कर देंगे जिससे क्या होगा कि जिस जितनी भी एडिशन एडिंग है वो अपने आप हो जाएंगी एंटर की पेस करेंगे जिससे हमारी जितनी कैलकुलेशन है वो उसमें लास्ट एच फोर में हमें शो करेगी